गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मोंटी कार्लो एफएफ गाइस। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बताना है गाइस, आप सभी के सभी कैसे हो यार। आई होप गाइस आप सभी के सभी अच्छे होंगे यार। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं ऐसे मतलब ये अपने मुंह पे मास्क लगा के वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पता मुझे थोड़ा थोड़ा तो मतलब क्या होता है ना कि लाइक थोड़ा सा वो होता है। तो गाइस यार बैकग्राउंड को अवॉइड करना ठीक है, बाकी छोड़ो। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाला हूँ तो वो चीज़ तो आप लोगों को थंबनेल देखकर तो आप लोगों को वैसे तो पता चल ही गया होगा ठीक है कि आखिर मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रहा हूँ। बाकी मेरे ऊपर ज़्यादा देखना नहीं क्योंकि आज मैंने सुबह से हाथ मुंह भी नहीं धोए हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है यार, और मैं अभी जो मार्केट जाके आया वो भी ऐसे का ऐसे ही गया गाइज़। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार। भाई आप लोग को तो पता ही हिमाचल की ठंड के बारे में तो क्या ही बोले, आप लोग को नॉर्मली आप लोग समझ सकते हो ठीक है। तो मैं अभी वहाँ जाके तो आया क्योंकि मैंने वहाँ का बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है। वो आप लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा जो कि हमारे बैग में अभी मैं दिखाऊंगा, तो बैग से आप लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा कि आखिर मैंने ऐसा बाहर का शूट क्यों नहीं किया ठीक है। थोड़ा सा मैं कभी भूल जाता हूँ ठीक है। और वैसे मेरे बालों को मत देखना भाई, बाकी सब कुछ अजीब है, बैकग्राउंड भी ऐसा, भी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। बट स्टिल अगर इसके बाद जो भी अपने ब्लॉग्स आएंगे तो वो मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं आएंगे ठीक है। तो इसके बाद आएंगे वो सभी के सभी जो ब्लॉग्स रहेंगे वो होंगे अपने गोप्रो से, हीरो 9 गोप्रो से शूट होंगे वो सारे के सारे के ब्लॉग्स ठीक है। तो आज ये अनबॉक्सिंग करते हैं साथ में मिलकर, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैग पे बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत बारिश हो रही है ठीक है। तो मैं ऐसे ही गया था, तो यू नो दैट गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो अपने गोप्रो को फाइनली मैंने यहाँ पे ला दिया है, और साथ में अभी हम करने वाले हैं गाइज़ इसे अनबॉक्स। तो यार आप सभी मेरे साथ बने रहना ठीक है, अभी हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं। तो गाइज़ देखो ये थोड़ा कैमरा ना हिलता रहेगा क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने एक हाथ से फ़ोन को पकड़ा। तो गाइज़ फाइनली हम पहले तो अपने गोप्रो को बाहर निकालते हैं ओके। तो बाकी स्क्रीन पे मत देखना अभी, बाकी जगह मत देखना ओके। तो गाइस ये रहा हमारा हीरो गोप्रो 9 गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली फाइनली ये मेरे पास पहुँच चुका है। तो गाइस यार देखो रूम में, अपने रूम में कुछ खास लाइट तो है नहीं, तो चलो हम इसी तरह से करते हैं। स्टिल मैं तब भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ओके। तो यार ये बॉक्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। तो गाइज फाइनली हमारा ये बैग जो है ओपन हो गया है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज गोप्रो। तो गाइज इसके अंदर है अपना हीरो 9 का गोप्रो गाइज। चलो इसको एक साथ ओपन करते हैं ठीक है। इसका वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ ओके। चलो सह लो, नेक्स्ट टाइम तो वीडियो आप लोग को एक अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलेगा ओके। तो गाइज मैंने इसका जिप निकाल दिया, एक हाथ से निकल नहीं रहा था ठीक है। तो गाइज ये रहा अपना हीरो गोप्रो 9 ओके। चलो इसे सबसे पहले तो इसे बाहर ले आते हैं ठीक है। तो गाइज इसके क्वालिटी एंड फीचर्स सारे के सारे ओपी लेवल के गाइज ठीक है। ये अपना गोप्रो है गाइज। तो इसके साथ हमें क्या क्या मिला, इसके साथ हमें सबसे पहले तो एक चार्जिंग के लिए लीड मिल चुका है ठीक है। और इसके साथ ये माउंट रहता है गाइज, हेलमेट पर ये लगता है। बाकी आप इसे गाड़ी के ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है ठीक है। तो गाइज़ ये लॉक सिस्टम है, ये वाला इसके गोप्रो के नीचे रहता है, इसमें ग्रिप रहता है, ओरिजिनल है बिल्कुल। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं गाइज बिल्कुल ऐसे, तो फिर ये यहाँ से इसे घुमाकर लॉक कर सकते हैं और इजीली गोप्रो जो है इसके ऊपर आराम से इजीली जो है लग जाता है। ये वाला इसके अंदर जाएगा ठीक है। तो बाकी दादा रे ये तो गिर गया था भाई ओके गाइज। चलो अब इसे ऑन कर लेते हैं एक बार ठीक है। तो गाइस अभी जो है गोप्रो ऑन हो चुका है और इसने जो है रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में मैंने इसे डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया ओके। तो पहले मैं इसे ऑफ करूं क्या? तो गाइस यहां पे देख सकते हो गाइस ये रहा अपना हीरो गोप्रो गाइस। तो आप लोग देख सकते हो इसका क्वालिटी गजब है। अभी तो ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है ठीक है, इसको चार्ज करने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी मैं आया ठीक है। तो बाकी तो इसकी वीडियोज़ वगैरह तो मैं आप लोग को बाद में ही दिखाऊँगा। तो जब इससे ब्लॉग शूट होगा तो गाइज़ आप लोगों के पास ही बिल्कुल आएगा ठीक है, ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये शूटिंग जो स्टार्ट कर रहा है ओके, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। यू नो दैट रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है तो इट मींस ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है गाइज़।
तो फिलहाल इसे हम स्टॉप कर देते हैं। ओके तो ये अपने आप से ऑफ हो गया। तो गाइज ये रहा अपना हीरो 9 गाइज। बताना कैसा लगा आप लोग को कमेंट्स में। तो ब्लॉग के लिए रेडी रहना, ब्लॉग भी आएगा बहुत ही जल्द। ओके तो गाइज देखो ये कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। इसे हम एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं। इस जो नीचे वाला माउंट रहता है ये यहाँ पे जो कहीं पे भी लगा कर आराम से इजीली ये चिपक जाता है एकदम से, क्योंकि इसका ग्लू बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। हम इसे एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे फीचर्स है यार, इतने सारे फीचर्स है भाई। जब उसने मुझे बताया मैं टोटली कन्फ्यूज़ हो गया। तो फाइनली ये मेरे पास पहुँच चुका है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये गोप्रो कुछ इस टाइप का रहता है। ओके यहाँ पे देखो, ठीक है, मज़ा आएगा गाइस इससे फेस कैम करने का, ब्लॉग शूट करने का। आई होप ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और हमें ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है, और आप लोग को भी ज़्यादा मज़ा आए मे बी। तो ऐसा ही था गाइस अपना गोप्रो। बाकी तो इसमें मोड्स तो इतने सारे कि इसके मोड्स तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं कन्फ्यूज़ हो गया टोटली भाई जब उसने मुझे बताया लाइक कि ये सब है। इस पे सामने में भी एक डिस्प्ले और पीछे वाला ये पूरा टच रहता है गाइस, ठीक है। इसमें टच ऊपर से देख सकते हो इसमें कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये टच वाला है, सामने पे टच नहीं रहेगा, सामने आपको खाली इसमें एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, इस पे आपको खाली देखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो गाइस बाकी इसके स्टिकर्स अभी निकाले या नहीं निकाले, इसके लेमिनेशन है पीछे गाइस, ठीक है, यहाँ पे लेमिनेशन है। रहने देते हैं गाइस जब तक ये चल रहा, हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। अभी तो हम इसका लेमिनेट बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ ब्लेड से ये रेड रेड वाले कट कर देंगे, जब ये निकलेगा तो अपने आप से निकलेगा, बाकी तो खुद से देख लेंगे। ओके तो गाइस ये था अपना गोप्रो। तो फाइनली अपना गोप्रो आ चुका है, तो ट्राई करेंगे इसके साथ हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आप तक पहुँचाए मे बी। तो गाइस फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम आपको ब्लॉग का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा मिलेगा। ओके बाय बाय।